इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी। तिवारी जी, आप प्रधानमंत्री भी उपवास पर बैठेंगे, देश भर में अनशन होगा बीजेपी का, क्या जवाब देगी कांग्रेस? हिंदू धर्म में और धर्मों में भी ये है कि अगर कुछ भूल हो जाए, पाप हो जाए, तो उसका प्रायश्चित पे लोग व्रत उपवास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए 12 तारीख को उपवास कर रही है, क्योंकि इन्होंने सदन चलने नहीं दिया। देखिए, लोकतंत्र में जब सदन चलता है तो विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर चलाते हैं, पर पक्ष की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहां होता क्या था, 11 बजे कौन तीन चार दिन शुरू के छोड़ दें तो सत्तारूढ़ दल के जुड़े लोग जो एनडीए में हैं या एनडीए के करीब वो बेल में आ जाते थे, और उसके बाद दूसरे दिन तक के लिए या एक आध बार बीच में होता था, सदन स्थगित हो जाता था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह गतिरोध था तो क्या प्रधानमंत्री जी की यह नैतिक और राजनैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सारे दलों को बुलाते, प्रयास करते? उन्होंने प्रयास नहीं किया। वजह साफ थी, भाजपा नहीं चाहती थी अविश्वास प्रस्ताव आए, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर आप देख रहे हैं कैसे स्वर मुखरित हो रहे हैं। भाजपा नहीं चाहती थी कि बैंक स्कैम और ये जो मामले हैं ना, भाजपा नहीं चाहती थी कि जो प्लेन की खरीद हुई है जिसमें 500 करोड़ की जगह 1600 करोड़ का चार्ज लग रहा था राफेल में, वो मामला आए, तो इसलिए उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। आप चूंकि पाप कर बैठे हैं तो प्रायश्चित के लिए कल उपवास करेंगे। अगर बीजेपी का प्रायश्चित है तो आपने राजघाट पर जो उपवास किया था वो किस बात का प्रायश्चित था? वो बहुत बड़े पाप का प्रायश्चित था जो सरकार ने किया था भाजपा ने। जब सुप्रीम कोर्ट से एक कोई ऐसा फैसला आया जिससे दल अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन हो रहा था, सुरक्षा खतरे में पड़ी थी, तो 13 दिन तक आप उसके लिए पुनर्विचार याचिका भी नहीं दाखिल कर रहे और झूठ बोले जा रहे हो कि केंद्र सरकार उसमें पार्टी नहीं थी। रिकॉर्ड्स आ गए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए थे। तो 13 दिन चूंकि उन्होंने नहीं किया, फिर 2 अप्रैल को जब प्रदर्शन हुआ, लोगों ने अपनी बात कही, तो उन पर झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, लगातार उनको पुलिस मुकदमों में फंसाया जा रहा है। तो उस पाप के लिए हम लोगों ने कि इनके पाप की वजह से उपवास किया था जिससे सामाजिक सद्भाव बना रहे। धन्यवाद बात करने के लिए। और बीजेपी के उपवास को प्रायश्चित बता रहे हैं, सियासी वार कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।